गुड मॉर्निंग प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज पुनः गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। विगत कक्षाओं में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे थे और आपने जाना था संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। मैंने आपको बतलाया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता या जनक भी कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मुझे कहा जाए कि सभी मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाए और केवल एक अधिकार को रखने की बात कही जाए, तो उन्होंने कहा था कि मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान में रखूंगा और किसी को मैं नहीं रखना चाहूंगा। तो सोचिए उन्होंने कितना ज्यादा महत्व दिया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में है। छात्रगण, पिछली कक्षाओं में आपने यह भी जाना था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट्स या आदेश जारी करती है, जिसमें आपने पिछली कक्षाओं में जाना था बंदी प्रत्यक्षीकरण, छगन हैबियस कॉर्पस रीट, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानी जाती है। यह रीट आखिर किन परिस्थितियों में जारी की जाती है, ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किन परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं? छात्रगण, पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस का यह परम कर्तव्य है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि अगले दिन अवकाश है, रविवार का दिन है, कोई पर्व त्यौहार का दिन है, तो मजिस्ट्रेट के घर पे प्रस्तुत करना होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही प्रस्तुत करना होगा। ये प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका टाइमिंग पीरियड क्या है प्रतियोगी विद्यार्थियों? 24 आवर्स, याद रखिएगा, है ना। गुरुकुल का आप लोगों के लिए एक प्रिय कथन है, भूलना मना है ना, भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर आपके हाथ से ये निकल जाएगा। भूलना नहीं है, याद रखना है कि चीजों को। तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी प्रतियोगी विद्यार्थियों, तो इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को प्रत्यक्ष तौर पर प्रस्तुत करो, न्यायालय कहता है किसे? पुलिस पदाधिकारी को। अगर ये पुलिस ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा? उस पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ न्यायालय कठोर कदम उठाएगी और उसे दंड देगी। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, जिसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे छात्रगण इसी के तहत दूसरे रीट के बारे में, जिसका नाम है परमादेश। मैंडामस, क्या है छात्रगण परमादेश? पहले इसको समझ लेंगे, जान लेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या सवाल आते हैं उसे जान लेंगे, उसके बाद हम लोग इसे जो है लिखने की कार्रवाई करेंगे। छात्रगण, इसमें भी नाम छिपा हुआ है परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देती है ना, किसे? ऐसे सरकारी पदाधिकारियों को जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। छात्रगण, यदि कोई भी सरकारी पदाधिकारी, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, थानेदार हो, नगर निगम के प्रशासक हो, है ना, यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय इसी रीट के माध्यम से उन्हें कहती है कि क्यों ना आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है उनके खिलाफ और उन्हें कहा जाता है कि आपके खिलाफ यह कार्रवाई की जाएगी, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, और न्यायालय उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करती है और संतुष्टदायक जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय उन्हें दंड भी देती है। छगन परमादेश
कारीट सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य का एहसास कराता है। मान लीजिए छतगण कि आपको कोई अपराधी चरित्र का व्यक्ति धमकी देता है और आप बार बार थाने में जाते हैं, थानेदार को आप कहते हैं कि प्लीज आप FIR दर्ज कीजिए, वो व्यक्ति मुझे धमकी देता है, वो व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, लेकिन थानेदार आपका FIR लॉन्च नहीं करता है, आपका FIR दर्ज नहीं करता है ना। ऐसी स्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में एक रीट दायर कर सकते हैं और इसी रीट के माध्यम से यह न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस थानेदार को अपने पास बुलाएगी और उससे पूछेगी कि आखिर तुम्हें वेतन किस चीज का मिलता है, आखिर तुम जो वेतन उठाते हो वो किस कर्तव्य के लिए उठाते हो, तुम्हारा काम क्या है, पुलिस शब्द का अर्थ क्या होता है। पुलिस शब्द का अर्थ होता है पुरुषार्थी, पुसे, लिसे, लिप्साधित, से सहयोगी। तो तुम जब पुरुषार्थी ही नहीं हो, लिप्सा से रहित ही नहीं हो, जनता के प्रति सहयोगी ही नहीं हो, तो आखिर तुम्हें इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्यों न तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाए। और यहीं इस रीट के माध्यम से न्यायालय उस पुलिस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का एहसास कराती है और उसे चेतावनी देती है कि यदि दोबारा तुम्हारे खिलाफ ऐसी शिकायत आई तो तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा। छतगण यह भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीट है जो कि सार्वजनिक पदाधिकारियों को, है ना, सरकारी पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं करने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नाम में ही देख छात्रगण देखिए आज छिपा हुआ है परमादेश, परम आदेश देती है न्यायालय, है ना, किसे, सार्वजनिक पदाधिकारियों को, सरकारी पदाधिकारियों को, कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, आपको सरकार इसी का वेतन देती है, आपको सरकार ने इसीलिए नियुक्त किया है, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। यही कहलाता है परमादेश, जिसे आपको छात्रगण याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछेगा। यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किस रीट के माध्यम से उसे ऐसा करने को कहती है और उस पर दंड जो है का जो है प्रावधान करती है, तो आपको लगाना होगा परमादेश। परमादेश रीट के तहत ये किया जाता है छतगण, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है। फिर आपसे पूछेगा परमादेश क्या है, ऑप्शन देगा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना, दूसरा ऑप्शन देगा सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक नहीं करना, तीसरा देगा किसी भी गलत तरीके से सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या लगेगा छात्रगण, क्या जवाब होगा आपका, आपका जवाब होगा नंबर दो, है ना, कि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं करना ही परमादेश है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है छात्रगण, इसलिए इसको आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को गौर करना होगा छतगण, तीसरे रिट की अब और हम लोग आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, लेकिन इस रिट को समझने के पहले परमादेश को हम लोगों को लिखना है, जो कि हम लोग जो है अभी लिखने की कार्रवाई करेंगे। छतगण लाल या हरा कलम, जिससे आपकी हेडिंग बनेगी परमादेश, और ब्लू या ब्लैक पेन से आपको नोट्स लिखना है। हेडिंग आपने बना लिया परमादेश, अंग्रेजी भी लिखेंगे छतगण, मंडामस, है ना, अंग्रेजी पूछ देता है बहुत बार, अंग्रेजी को भी मजबूत रखना है प्रतियोगी विद्यार्थियों, वरना प्रतियोगिता परीक्षाओं में पता चला कि अंग्रेजी की कमी के कारण आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। मैडमस आपने लिख लिया, परमादेश लिखिए। यदि कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन
निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय परमादेश रीट के माध्यम से, इनवाइट कॉमा में रखिएगा छतगन परमादेश को, इनवाइट कॉमा अंडरलाइन लाल कलम, परमादेश रीट के माध्यम से उसे कारण बताओ नोटिस जारी करती है। कारण बताओ नोटिस जारी करती है एवं संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिलने पर, संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिलने पर दंड देती है, संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिलने पर दंड देती है। हो गया छतगन? हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे याद रखना है ना। अगले रेट की ओर आ जाएंगे छतगन, हेडिंग बनाइएगा लाल या हरा कलम से, अधिकार परीक्षा को वारंटो, अंग्रेजी भी लिखेंगे इसका को वारंटो। हो गया हेडिंग आपका? हाँ, अब समझिएगा इसको छतगन, ये रीट्स जो है ये आप लोगों के लिए, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है, एक सबक देता है। क्या है छात्रगण, इसको समझिए, और क्या इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आएंगे, इस पर पैनी निगाहें आपकी मैं चाहता हूं। छात्रगण गौर करेंगे, है क्या अधिकार परीक्षा, यहां पर भी नाम में ही आज छिपा हुआ है अधिकार परीक्षा, परीक्षा का तो पूछना है ना छात्रगण। इसके तहत ऐसे सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने गलत संसाधनों के द्वारा, गलत तरीके से, गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर, गलत उम्र प्रमाण पत्र बनाकर, गलत जन्म प्रमाण पत्र बनाकर या अन्य किसी भी गलत संसाधनों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी को प्राप्त किया है, तो न्यायालय उससे पूछती है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हो जबकि तुम इसके योग्य नहीं हो, तुमने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है, तुमने गलत संसाधनों का इस्तेमाल किया है, तुमने संविधान का मजाक उड़ाया है, तुमने संविधान के साथ धोखाधड़ी और चीटिंग की है ना, और तुमने इस सरकारी नौकरी को प्राप्त किया है, और न्यायालय उसे कारण बताओ नोटिस तो जारी करती ही है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करती है और उसे कठोर दंड प्रदान करती है। छतगन, ये आपके लिए भी एक सबक है, नहीं मिले सरकारी नौकरी ना मिले, कोई गुरेज नहीं, स्वर ने आपको यदि भेजा है तो वो आपके लिए संसाधन उपलब्ध कराता है, नहीं होगा तो हम खेतों में मजदूरी करेंगे है ना, खेतों में कृषि का कार्य करेंगे, हल बैल चलाएंगे है ना, और खेतों को सींचेंगे, कृषि का कार्य भी एक बहुत ही पावन कार्य है जिससे पूरे देश का पेट भरता है छात्रगण, नहीं होगा तो हम मजदूरी करेंगे, नहीं होगा तो हम और भी कई जो है अच्छे कार्य हैं जिसे करके हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन छात्रगण, यदि आपने गलत तरीके से कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त की, किसी ने कोई बाजार में आपको ब्रोकर किस्म का आदमी मिल गया कि चलो हम तुमको SSC का नौकरी दिलवा देंगे, दरोगा का नौकरी दिलवा देंगे, रेलवे का नौकरी दिलवा देंगे, JPSC दिलवा देंगे, UPSC दिलवा देंगे, इतना लाख रुपया तुमको लगेगा। छतगन, आपने जमीन बेच करके, अपने पिता के बरसों की मेहनत की कमाई को बेच करके उसे पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद आप अधिकारी तो बन गए, लेकिन जब पोल खुली तो पता चला कि आपको गलत तरीके से अधिकारी बनाया गया है। कैसे? आपके जाति प्रमाण पत्र को बदल दिया गया, आपके उम्र प्रमाण पत्र को बदल दिया गया, आपके जन्म प्रमाण पत्र को बदल दिया गया, और इस तरीके से चीटिंग करके आप नौकरी को प्राप्त किए हैं। छतगन, जब न्यायालय को यह पता चलेगा कि आपने गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके नौकरी की प्राप्ति की है तो आपको कितना कठोर दंड मिलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहेंगे, सारे समाज में थूतू होगी और हर जगह आपको अपमानित और घृणित नजरों से देखा जाएगा, आपके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? कभी नहीं छतगन, कभी भी नहीं, कभी भी इन ब्रोकर्स के चक्कर में ना पड़ें, कभी भी इन दलालों के चक्कर में ना पड़ें, सरकारी नौकरी जब भी प्राप्त करें अपने दमखम पर प्राप्त करें छतगन, अपने जुनून के बल पर प्राप्त करें, प्रतिभा जिनमें होती है वह निश्चित तौर पर अपने आप को स्थापित करते हैं, ये इतिहास गवाह है। इसलिए प्रतिभा के बल पर
अपने जुनून के बदौलत, अपने आत्मविश्वास के बदौलत, अपनी एकाग्रता और याददाश्त शक्ति के बदौलत नौकरी को प्राप्त करें। छात्रगण, गलत संसाधनों का कभी भी इस्तेमाल ना करें। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। शॉर्टकट का कोई भी सक्सेस नहीं होता है, यानी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। छात्रगण ये ध्यान रखेंगे। तो छात्रगण, ये अधिकार परीक्षा आपके लिए भी एक सबक है, आपके लिए भी एक संदेश है कि आप कभी भी गलत तरीकों का, गलत संसाधनों का इस्तेमाल न करें। ये सबक को आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, और आपको ये सबक को भी याद रखना होगा। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, क्या सवाल पूछे जाएंगे छात्रगण, गौर करेंगे। सवाल पूछेगा, यदि कोई सरकारी पदाधिकारी गलत संसाधनों का प्रयोग कर गलत दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, तो उसे न्यायालय किस रीट या आदेश के माध्यम से दंड देती है या कारण बताओ नोटिस जारी करती है। छात्रगण, आपका ऑप्शन मिलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा देगा परमादेश, तीसरा देगा अधिकार परीक्षा, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। क्या लगाइएगा छात्रगण? नंबर 3, अधिकार परीक्षा, है ना, कि आखिर तुम किस अधिकार से इस पर बैठे हो जबकि तुम इसके लायक नहीं थे, है ना छात्रगण। तुमने उम्र पर आपको छुपा लिया, तुमने अपनी जाति को बदल दिया नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो ये सब गलत तरीकों का कभी भी इस्तेमाल ना करें छात्रगण। यही यह रीट कहती है कि आखिर किस अधिकार से तुम बैठे हो जबकि तुम इसके काबिल नहीं थे। परीक्षा मतलब होता है पूछना, अधिकार यानी कि तुम किस अधिकार से इस गद्दी पर बैठे हो जबकि तुम इसके लायक नहीं थे। ये कौन पूछता है? न्यायालय पूछती है उस पदाधिकारी से जो कि गलत संसाधनों को साध्य मानकर, गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके नौकरी की प्राप्ति करता है। इसलिए यह रीट अपने आप में एक संदेश है जिसे आपको छात्रगण याद रखना होगा, है ना। आप लिखने की कार्रवाई कीजिएगा छात्रगण, तीर का निशान देकर के लिखेंगे, यदि कोई सरकारी पदाधिकारी गलत संसाधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे गलत जाति प्रमाण पत्र, जैसे गलत जाति प्रमाण पत्र कौमा गलत उम्र प्रमाण पत्र कौमा गलत जन्म प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी संसाधनों के द्वारा सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, तो न्यायालय उसे इस रीट के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करती है तथा उसे दंड देती है। हो गया कंप्लीट छात्रगण? वेरी गुड। तो यह है छात्रगण अधिकार परीक्षा और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू जिसे आपको ध्यान रखना होगा। अगले रिट की ओर हम लोग जा रहे हैं छात्रगण, ध्यान रखिएगा, और उस रिट का नाम है प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, है ना छात्रगण। यहां भी नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? प्रतिषेध का अर्थ होता है छात्रगण मना करना, है ना। क्या अर्थ होता है छात्रगण प्रतिषेध का? मना करना, है ना। तो याद रखिएगा छात्रगण, यहां भी नाम में अर्थ छिपा हुआ है। इस रीट के माध्यम से छात्रगण सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ
निम्न न्यायालय को, अपने अधीनस्थ निम्न न्यायालय को कोई भी ऐसा कार्य करने से मना करती है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। छठगण, अधिकारों का अतिक्रमण करना बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति के अधिकार सीमित किए गए हैं। एक थानेदार का अधिकार उस थाने तक सीमित है, एक एसपी का अधिकार जिले का, वो पुलिस कप्तान होते हैं तो वो जिले का पुलिस का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, उसके भी अधिकार सीमित होते हैं। डीआईजी के अधिकार अलग होते हैं, अन्य पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को बनाया गया है छठगण, जिसको हायरार्की सिस्टम भी कहा जाता है। छठगण, अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। छठगण, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जिला न्यायालय उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर देती है, अस्वीकृत कर देती है, जमानत उसे नहीं मिल पाता, वह अपनी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में दायर करता है, उच्च न्यायालय में भी उसे जमानत नहीं मिलती है, वह अपनी जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी उसे जमानत देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उस पर हत्या के गंभीर आरोप हैं। छठगण, ऐसी स्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत नहीं देता है और साल दो साल की अवधि में वह व्यक्ति जब जेल में अपनी सजा काट रहा होता है, तो वह निम्न न्यायालय में जज को पैसे देकर, लोभ देकर, लालच देकर, पैरवी करवाकर, है ना, जमानत ले लेता है। तो छठगण, आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जिसे जमानत नहीं दे सकता है उसे उच्च न्यायालय, तो क्या निम्न न्यायालय कोई भी जमानत देने का अधिकारी नहीं होता है? छठगण, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस देश का उच्चतम न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है। उस न्यायालय के बाद आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, आप केवल क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। न्यायालय में सबसे अंतिम न्यायालय इस देश का है, सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा छठगण, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने यदि आपका जमानत अस्वीकृत कर दिया, तो क्या निम्न न्यायालय, जिला न्यायालय आपकी जमानत को दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसे में जब निम्न न्यायालय का न्यायाधीश पैसे लेकर, घुसखोरी करके, भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर छठगण यदि उस व्यक्ति को, अपराधी को जमानत दे देता है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसी रीट के माध्यम से प्रतिषेध के तहत निम्न न्यायालय को मना करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज थी। इसलिए छठगण, याद रखेगा, अपने अधिकारों का अतिक्रमण कभी भी ना करें, है ना। यही इसने इस रीट का आपके लिए भी संदेश है। आपके अधिकार जहां तक सीमित हैं वहीं तक आप काम करें, उसके बाहर जाकर के काम करना गैर कानूनी हो जाता है। तो यही चीज है छठगण, प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है मना करना। तो मना किसको किया जाता है? निम्न न्यायालय को। कौन मना करता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। क्यों मना करता है? जब निम्न न्यायालय अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, तब उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसी रीट के माध्यम से मना करते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है प्रोहिबिशन, जिसे आपको ध्यान रखना होगा छठगण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इसे भी ध्यान देना होगा, इसे भी मनन करना होगा। छठगण, क्या सवाल आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछे जाएंगे, यदि निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किस रीट के माध्यम से उसे ऐसा करने से मना करेंगे? तो छठगण, ऑप्शन में देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन में देगा परमादेश, तीसरा ऑप्शन में देगा अधिकार परीक्षा, चौथा ऑप्शन में देगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्या लगाइएगा छठगण? प्रतिषेध आपका सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा छठगण, प्रतिषेध का अर्थ ही होता है मना करना, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को मना करती है कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम मत करो, मैंने जिसके जमानत को अस्वीकार कर दिया, आखिर तुम उसे जमानत कैसे दे सकते हो?
ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसे ही छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा और एक एक चीजों को छात्रगण स्मरण करना होगा। अब लिखने की कार्रवाई करेंगे। हाँ, लिखेगा छात्रगण, ठीक है। यदि निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस रीट के माध्यम से उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मना करते हैं, है ना। तो यह छात्रगण प्रतिषेध, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब पांचवें और अंतिम रेट की ओर हम लोग आ रहे हैं छात्रगण, गौर करेंगे। उत्प्रेषण, छात्रगण उत्प्रेषण सेटियोरेडी जो रीट है वह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छात्रगण ये बहुत आसान सी रीट है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये और ये। इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। छात्रगण जिस अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को मना करती है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, है ना छात्रगण, उत्प्रेषण रीट के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसी विवादित मामले को अपने पास मंगा लेती है और कहती है अब मैं इसकी जांच करूंगा, अब मैं इसका जो है पूरा मैं इस मामले को देखूंगा, और यह मामला निम्न न्यायालय से अपने पास मंगा लेती है। उसी विवादित मामले को छात्रगण जिस पर उसने प्रतिषेध के तहत मना किया था, यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण छात्रगण एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यानी जिस विवादित मामले को काम करने से रोका गया था सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा, उसी विवादित मामले को उत्प्रेषण के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहां मंगा लेती है छात्रगण, निम्न न्यायालय से अपने पास मंगा लेती है। यानी वो निम्न न्यायालय को कहती है कि इसी रीट के माध्यम से कि अब आप उस विवादित मामले को मेरे पास भेज दीजिए, है ना। तो यही है छात्रगण उत्प्रेषण, गौर करेंगे छात्रगण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में यह संबंध है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण। लिखे गया उत्प्रेषण में, लिखे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को मना किए गए विवादित मामले को इस रीट के माध्यम से अपने पास मंगा लेती है तथा इस मामले की स्वयं जांच करती है। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। तो ये है छात्रगण पांच प्रकार के रीट्स या आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ये आपको छात्रगण न केवल प्रारंभिक परीक्षाओं में, है ना, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के
बल्कि आपको मुख्य परीक्षाओं में भी, चाहे जेपीएससी का मेंस लिखें, यूपीएससी का मेंस लिखें, हर जगह पे करती है। इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी। छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखें, है ना। तो छात्रगण, 24 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, किस रिट के माध्यम से होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसे किस रीट के माध्यम से जो है आदेश जारी करती है? तो वो होगा परमादेश, है ना। यदि कोई सरकारी पदाधिकारी गलत संसाधनों का प्रयोग कर गलत जाति प्रमाण पत्र, गलत उम्र प्रमाण पत्र, गलत आय प्रमाण पत्र, गलत जन्म प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी गलत संसाधनों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे किस रीट के माध्यम से दंड देती है? छात्रगण, अधिकार परीक्षा, है ना। यदि निम्न न्यायालय अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है, अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम करती है, कोई भी तरह का गलत स्टेप उठाती है तो उसे ऐसा करने से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय मना करती है, किस रीट के माध्यम से? छात्रगण, प्रतिषेध। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छात्रगण, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को मना किए गए, रोके गए, प्रतिषेध किए गए मामले को किस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से अपने पास मंगा लेती है? तो वह रिट है उत्प्रेषण, है ना। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। छात्र, क्या सवाल आएंगे इस पूरे टॉपिक से? देगा खंड क को खंड ख से मिलान करें। खंड क में 5 रिट का नाम दे देगा छात्रगण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण। खंड ख में उसका परिभाषा दे देगा छात्रगण। अब लेगा गंगा जमुना को मिलाइए, तो अब जब तक नहीं जानिएगा तो आप मिला पाइएगा छात्रगण? सवाल बनेगा आपसे? नहीं बन पाएगा। इसलिए पांचों रीट को छात्रगण एकदम सत्तू की तरह घोल करके पी जाइए और WBC RBC में दौड़ा दीजिए और पीछे जो सेरिब्रम है उसमें फेविक्विक से चिपका दीजिए, ताकि रात को 2 बजे भी कोई उठा करके पूछे कि बताओ परमादेश क्या है तो तुरंत बोलिए कि यदि कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस रीट के माध्यम से उसे कारण बताओ नोटिस जारी करती है, है ना। तो छात्रगण, याद रखना होगा, एक एक चीजों को याद रखें, मनन करें, स्मरण करें। ये निश्चित तौर पर आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रगण, गौर कीजिएगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन में देगा छात्रगण, बंदी प्रत्यक्षीकरण - गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना। दूसरा देगा अधिकार परीक्षा, किसी भी सरकारी पदाधिकारी द्वारा गलत संसाधनों का प्रयोग कर सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना। तीसरा देगा परमादेश, सरकारी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ नहीं करना। चौथा देगा प्रतिषेध, निम्न न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना। पांचवा ऑप्शन देगा उत्प्रेषण, निम्न न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के जमानत को स्वीकार कर लेना, है ना। तो कौन सा गलत है छात्रगण? नंबर 5 गलत है, निम्न न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के जमानत को स्वीकार कर लेना। क्या यह उत्प्रेषण के तहत आता है? नहीं आता है। उत्प्रेषण में तो आता है कि उस विवादित मामले को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने पास मंगा लेता है जो निम्न न्यायालय को मना किया गया था, है ना। तो इस तरह के प्रश्न छात्रगण आपको पूछे जाएंगे। सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पूछेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, उत्प्रेषण क्या है, प्रतिषेध क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मिलान करे वाले भी आएंगे, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपको इस टॉपिक पर जब तक पकड़ नहीं होगी, आपको जब तक अनुच्छेद 32 और 226, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है छात्रगण? 32, उच्च न्यायालय 226 क्या करता है? यही पांचों रीट जारी करता है, है ना, यही पांचों रीट्स को जारी करता है। तो ये सब चीजों को छात्रगण याद रखें, मनन करें, अध्ययन करें, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत हिट क्वेश्चन है, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट छात्रगण आगे लिखेंगे अनुच्छेद 33, चूंकि 35 तक हम लोगों को पढ़ना है छात्रगण,
अभी तक 32 तक हम लोग जाने हैं, हाँ 33 लिखेंगे छात्रगण, तीर का निशान लिखे। इसके तहत संसद मूल अधिकारों को बहाल करने हेतु, इसके तहत संसद मूल अधिकारों को बहाल करने हेतु सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान करती है, क्या क्वेश्चन आएंगे छात्रगण? पूछेगा संसद मौलिक अधिकारों को बहाल करने हेतु देश के सशस्त्र बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ है ना, ये सब क्या है, आईटीबीपी, ये सब हमारे सशस्त्र बल हैं, असम राइफल्स है ना, तो इन सबों को विशेष अधिकार देती है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 33 में है, है ना छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लिखेगा अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34 लिखिए। इसके तहत सेना का शासन, जिसे मिलिट्री रूल भी कहते हैं छात्रगण हम लोग, जो कि आपातकाल के दौरान लगता है, सेना का शासन या मार्शल लॉ लगाया जाता है। पूछेगा देश में सेना का शासन या मार्शल लॉ किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत लगाया जाता है छात्रगण, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण, अनुच्छेद 35 लिखे। इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने के लिए, विधि निर्माण का अधिकार, संसद का होगा, छात्रगण मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि किसी भी प्रकार की कानून की आवश्यकता होगी, कोई भी कानून बनाने की जरूरत होगी, तो इसे कौन बनाएगा? संसद को अधिकार दिया गया है, संसद ही इस कानून को बना सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? 35 में है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण। हमारे देश में संसद सर्वोपरि है, संसद सर्वोच्च मुकाम पर है, और संसद को ही कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है, संसद को ही संविधान संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया है। इसलिए छात्रगण आपको ये चीज याद रखना होगा। इसलिए छात्रगण 33, 34, 35 ये तीनों आर्टिकल्स को आपको याद रखने होंगे, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस पर भी आपको पैनी निगाहें रखनी होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, इसको भी छात्रगण आपको मनन करना होगा। तो ये है छात्रगण एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय का हम लोगों ने समापन किया, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का हम लोगों ने समापन किया, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, आपको इसका ध्यान रखना होगा, आपको इस पर मनन करना होगा, आपको एक एक चीजों का स्मरण करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको कहीं से भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। ये चैप्टर अपने आप में बेशकीमती है, संजीवनी बूटी की तरह आपको काम आएगा। इसलिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक छात्रगण जो खाका और ताना बाना मैंने प्रस्तुत किया है, इस सारे चीजों को आप याद रखें, सारे चीजों को मनन करें, सारे चीजों को अध्ययन करें, है ना। अगली कक्षाओं में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए, इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, भारतीय राजव्यवस्था से जुड़े हुए अन्य किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, थैंक यू।